हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ई एफ बी इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग। फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्या लेसन 47, जहां पर हम देखेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने कैम से पढ़ना स्टार्ट किया था, पूरी मॉडल वर्ब पढ़ी और उसके बाद टेंस के पूरे 12 कॉलम पढ़ी। हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा कि हमारा जो सेंटेंस था ना, उसकी शुरुआत हम लोग सब्जेक्ट से करते थे या फिर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट को देख कर ही लगाते थे। यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, डू डज या फिर इज एम आर या फिर वॉज वर्ब का यूज़ किया था। आज हम बात करने जा रहे हैं क्या पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस क्या होता है, पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। फ्रेंड्स, कई बार होता है कि हमें सब्जेक्ट के बारे में जानकारी नहीं होती कि आखिर यह काम किसके द्वारा किया गया, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम सब्जेक्ट को बताना ही नहीं चाहते कि ये काम मेरे साथ किसने कर दिया। जैसे फ्रेंड्स, सोचिए अगर मेरे छोटे भाई ने मुझे मार दिया तो क्या मुझे बताने में अच्छा लगेगा कि मैं छोटे भाई के द्वारा पिट गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या बोलना होता है कि मैं पिट गया। अब जब मैंने आपसे कहा मैं पिट गया, तो मैंने तो कोई काम नहीं किया, काम मुझ पर किया गया, पीटा मुझे गया, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि किसने मुझे पीटा। बस मैंने अपने ऊपर हुई घटना को आपको बता दिया कि मुझे पीटा गया। और कई बार फ्रेंड्स ऐसा भी होता है कि हमें सब्जेक्ट की जानकारी ही नहीं होती। जैसे सोचिए कि मैं अपना मोबाइल टेबल पर रख दूं और थोड़ी देर के बाद आऊं और मुझे मोबाइल ना मिले, तो मैं आपसे ऐसा ही कहूंगा ना कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया है या फिर मेरा मोबाइल चुरा लिया गया है। अब किसके द्वारा चुरा लिया गया ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। ऐसी सारी कंडीशन में हमें पैसिव सेंटेंस की ज़रूरत पड़ने वाली है। बट फ्रेंड्स, पहले इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ लें, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लें अच्छी तरीके से, फिर लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले माइंड कीजिए, हम लोगों ने एक्टिव सेंटेंस अभी तक पढ़ा हुआ है और एक्टिव वॉइस का मतलब होता है क्या, कर्तवाच। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारी सारी इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है, सब्जेक्ट को। तो जैसे ही बात एक्टिव वॉइस की हो जाएगी तो सारी इंपॉर्टेंस हम लोगों ने किसको दी थी, सब्जेक्ट को। यानी सब्जेक्ट को देखकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, डू डज, इज एम आर, वॉज वर्ब या हैज हैव हम लोगों ने मेंशन किया था। फिर जो भी वर्ब थी उसको लगाया और लगाने के बाद लास्ट में यहाँ पर क्या आया करता था, ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट का होना अनिवार्य था, बिना सब्जेक्ट के हम लोगों ने कोई भी सेंटेंस नहीं बनाया। लेकिन बात अगर पैसिव की जाए तो आपको माइंड करना है ये एक्टिव का थोड़ा सा उल्टा होगा। यहाँ पर हमारे सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से की जाएगी, ऑब्जेक्ट से। तो जिस प्रकार एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट का होना जरूरी है, उसी तरीके से पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। एक्टिव वॉइस में देखो लास्ट में हमें क्या रखना होता है, ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट आपका आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। इसी तरीके से पैसिव वॉइस में लास्ट में ये बाय और सब्जेक्ट, ऐसा कहा जाता है कि बाय और सब्जेक्ट हर बार आता है, बट ये जरूरी नहीं है, इस बात को माइंड कीजिएगा। बाय सब्जेक्ट ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। हर बार बाय ही लिख के आएगा ऐसा भी जरूरी नहीं है। वर्ब के अकॉर्डिंग यहाँ पर कभी टू भी आ सकता है, इस बात को माइंड करके आपको चलना होगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात को आपको माइंड करना है कि एक्टिव वॉइस में हम जो है ना उस काम को करते हैं, तो अगर काम को हम करते हैं तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, एक्टिव वॉइस का होगा, काम करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा मैं गीता पढ़ता हूँ, पापा मुझे डांटते हैं, वह अंग्रेजी सीख रहा है, मैंने आपको पढ़ाया है, मम्मी ने मुझे पीटा है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम काम को करते हैं। तो काम को अगर हम करते हैं तो वो सेंटेंस हमारा क्या होगा, एक्टिव का होगा। और अगर बात हो जाए कि काम किया जाता है, माइंड कीजिएगा यहाँ पर हर बार सेंस आएगा कि काम जो है ना वो किया जाता है, और सेंस क्या होगा कि काम जो है ना वो किसी न किसी के द्वारा किया जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि पापा के द्वारा भोजन बनाया जाता है, मम्मी के द्वारा गाना गाया जाता है, मेरे द्वारा अंग्रेजी सीखी जाती है। तो अगर बात काम किसी के द्वारा करने की होगी तो वो सेंटेंस हमारा क्या का होगा, पैसिव का होगा। अब फ्रेंड्स, मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हर बार हमारे सेंटेंस में द्वारा लिख के आएगा। कुछ सेंटेंस को एग्जांपल के तौर में लेकर समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ तो अंग्रेजी पढ़ाने का काम मैं करता हूँ, और इसी सेंटेंस को अगर मुझे पैसिव में बोलना होता तो मैं कैसे बोलता कि मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। अगर मैंने आपसे कहा क्रिकेट खेला जाता है तो क्या बता सकते हैं ये सेंटेंस हमारा एक्टिव का है कि पैसिव का। अगर मैंने आपसे कहा क्रिकेट खेला जाता है तो 100% क्रिकेट किसी न किसी के द्वारा खेला जाता है। तो कई बार होगा ऐसा कि वहाँ पर द्वारा लिख के आएगा, यानी आपके सेंटेंस में द्वारा लिख के आएगा, और कई बार ऐसा होगा कि द्वारा शब्द आपके सेंटेंस में लिख के ही नहीं आएगा। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि भोजन बनाया जाता है,
अब किसके द्वारा बनाया जाता है ये मैंने नहीं बताया, बट इसके अंदर सेंस तो यही है ना कि भोजन बनाया जाता है तो भोजन अपने से तो नहीं बन जाएगा, किसी न किसी के द्वारा ही बनाया जाएगा। अगर मैंने आपसे कहा मोबाइल सुधारा जाता है तो ये सेंटेंस क्या हो गया, पैसिव का हो गया ना, क्योंकि मोबाइल सुधारा जाता है किसी न किसी के द्वारा। तो जैसे ही सेंस आ जाए कि काम किसी के द्वारा किया जाता है तो वो सेंटेंस हमारा कहाँ का होगा, पैसिव का, और अगर काम को हम खुद करते हैं तो वो सेंटेंस हमारा कहाँ का होगा, एक्टिव वॉइस का। अब अगर बात एक्टिव वॉइस की है तो हमें सारा काम किसको देख के करना होगा, सब्जेक्ट को, और अगर बात पैसिव वॉइस की हो जाएगी तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को देख कर ही हमें सारे काम करने होंगे। सारे काम का मतलब कि ऑब्जेक्ट को देख कर ही हमें वर्ब का यूज़ करना होगा, हमें ये देखना होगा कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है और उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी। एक्टिव में हम लोगों ने सब्जेक्ट को देख कर हेल्पिंग वर्ब लगाई थी और पैसिव में ऑब्जेक्ट को देख कर ही हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। अच्छी बात यह है कि अगर सेंटेंस हमारा पैसिव का है फिर वो चाहे मॉडल वर्ब का हो, टेंस का हो, कहीं का भी हो, हमें सभी जगह वर्ब की कौन सी फॉर्म रखनी होगी, थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होगी। अब फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ हमें और देखनी होगी कि आखिर हमें एक्टिव में सब्जेक्ट और पैसिव में ऑब्जेक्ट को कैसे ऐड करना होगा। तो माइंड कीजिए, हम लोगों ने ये देखा कि जो हमारा एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता था वो क्या होता था, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, किसी का नाम, यही सब तो होते थे। तो थोड़ा सा इसको माइंड कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक्टिव में जब भी हम लोगों ने सब्जेक्ट रखा तो क्या रखा, कभी आई रखा, कभी वी रखा, कभी क्या रखा हम लोगों ने, यू, यहाँ पर हम लोगों ने दे को भी ऐड किया, ही आया, सी हो गया, इट हुआ, और किसी का नाम, ये सब हमारे क्या होते थे एक्टिव में, ये सब हमारे सब्जेक्ट हुआ करते थे। अगर बात इन्हीं को ऑब्जेक्ट बनाने की हो, अगर ये ऑब्जेक्ट बन के आते थे तो क्या बता सकते हो कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता था, आई का ऑब्जेक्ट हमारा होता था क्या, मी, और वी का क्या हो जाएगा, अस, यू का क्या हो जाएगा, यू ही रहता है, वो नहीं बदलता, और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम, और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहता है, ये भी नहीं बदलता, और किसी के नाम का जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा नाम ही रहता है, उसको भी बदला नहीं जाता। तो माइंड कीजिए कि एक्टिव में ये सब हमारे क्या हुआ करते थे, सब्जेक्ट होते थे, और ये सब हमारे क्या होते थे, ऑब्जेक्ट होते थे। बट पैसिव में थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव में हमारा क्या कहलाएगा, ये पी का मतलब पैसिव है, एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव में क्या बन जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यानी यही सारे सब्जेक्ट हमारे पैसिव में क्या बन के आएंगे, वो ऑब्जेक्ट कहलाएंगे, और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट था वो पैसिव का क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। आपने यहाँ पर देखा होगा मैंने यहाँ पर लिखा था बाय, और बाय के बाद क्या लिख दिया, सब्जेक्ट। आपको बाय के बाद हमेशा इन्हीं सारे प्रोनाउन को ऐड करना होगा, आप बाय के बाद ये सारे प्रोनाउन यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउन को ऐड नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये था कि अगर लिख के आ जाए मेरे द्वारा तो आपको क्या लिखना होगा, बाय मी, हमारे द्वारा बाय अस, आपके द्वारा बाय यू, उनके द्वारा या उन लोगों के द्वारा बाय देम, कोई लड़का खड़ा था मैंने कहा उसके द्वारा तो अंग्रेजी क्या बनेगी, बाय हिम, और लड़की के द्वारा होता तो क्या लिखना पड़ता, बाय हर, पापा के द्वारा तो पापा क्या हो गए, नाम में आ जाएंगे और क्या बोलना पड़ेगा, बाय पापा, रवि के द्वारा तो अंग्रेजी क्या बनेगी, बाय रवि। तो कहने का मतलब ये था कि एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, और जो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट था वो पैसिव का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। यानी पहले भी हमने सेंटेंस की शुरुआत इन्हीं सब्जेक्ट से की थी और आज भी हमें शुरुआत आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट या फिर किसी के नाम के साथ करनी होगी। और बाय के बाद हमेशा याद रखिएगा, बाय के बाद यही सारे प्रोनाउन आने वाले हैं। अब फ्रेंड्स इसमें स्ट्रक्चर क्या बनेगा और कैसे इसको बनाया जाएगा वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। फ्रेंड्स अब आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपको याद होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन बात ये थी कि वहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक्टिव पढ़ा था। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव सेंटेंस क्या था कि यहाँ पर इसकी पहचान ता है, ती है, ते हैं, जो कि वर्ब के साथ में जुड़कर आती थी। लेकिन आज हम लोग फ्रेंड्स पढ़ने जा रहे हैं क्या, पैसिव सेंटेंस, जहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पैसिव सेंटेंस होगा इसकी जो पहचान होगी ना वो क्या होगी, हमारी जाता है, जाती है और जाते हैं। तो जाता है, जाती है, जाते हैं, ये होगी हमारी क्या, पैसिव की पहचान होगी। लेकिन किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की।
एक बात आपको और माइंड करनी होगी कि जो ता है ती है ते हैं या ताहूं था वो हमारी वर्ब के साथ में जुड़ के आता था, लेकिन आज मैं लिखा है क्या जाता है जाती है जाते हैं, ये वर्ब के साथ में नहीं, ये सारी चीज़ें वर्ब के बाद अलग से लिख के आएंगी। तो माइंड कीजिएगा जब जाता है जाती है जाते हैं वर्ब के बाद लिख कर आ जाए तो वो सेंटेंस हमारा कहाँ का होगा, पैसिव का होगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि पापा के द्वारा पैसा कमाया जाता है और वर्ब क्या थी कमाना, और कमाना के बाद जाता है अलग से लिख किया गया। सेंटेंस को बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने आपसे कहा पापा बाजार जाते हैं तो जाना ही यहाँ पर क्या होगी, हमारी वर्ब होगी। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा कि पापा के द्वारा पैसा कमाया जाता है तो हमारी वर्ब क्या थी कमाना, और जाना यहाँ पर वर्ब नहीं थी। तो याद रखिएगा जाता है जाती है जाते हैं बिल्कुल लिख के आएगा लेकिन वो वर्ब के बाद, जैसे लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, डांटा जाता है, सीखा जाता है, सिखाया जाता है, etc। तो जाता है जाती है जाते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव की पहचान होगी। अगर बात हेल्पिंग वर्ब की जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारी जो सहायक क्रिया होगी ना वो क्या होगी, इज, एम या फिर आर। और अच्छी बात यह है कि सेंटेंस चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, पास्ट इंडेफिनिट का हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, इंडेफिनिट हो, या फिर कंटिन्यूस हो, या फिर परफेक्ट हो, या फिर मॉडल वर्ब के पैसिव सेंटेंस की बात की जा रही हो, हमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म रखनी होगी, थर्ड फॉर्म। तो सभी जगह आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है। अब फ्रेंड्स बात करें स्ट्रक्चर की तो हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट को ऐड करना होगा, क्योंकि पैसिव सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से करनी होती है, हमें ऑब्जेक्ट से करनी होगी। अब माइंड कीजिएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इज, एम या फिर आर को ऐड करना होगा। और इज एम आर हमें कैसे लगाना होगा, ही सी इट और किसी का नाम अगर ये ऑब्जेक्ट बन के आएंगे तो हमें क्या रखना होगा, इज। आई के साथ क्या लगाना होगा हमें, एम। वी यू दे और नेम्स आ जाएगा तो हमें क्या रखना होगा, आर। यानी इज एम आर का यूज़ हमें वैसे ही करना है जैसा आज तक हम लोग करते आ रहे हैं। इसके ठीक बाद हमें यहाँ पर रखनी होगी क्या, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फिर ऐड कर देना है यहाँ पर क्या, बाय, और बाय के बाद क्या, सब्जेक्ट को ऐड कर दीजिए। तो फ्रेंड्स हमारा पहला स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट को ऐड करना है, बस हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब एक एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने आपसे कहा होता कि मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है तो क्या बता सकते हो क्या ये सेंटेंस हमारा पैसिव का है, बिल्कुल। एक्चुअली इसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मेरे द्वारा। तो जैसे लिख किया जाए कि मेरे द्वारा काम किया जाता है तो फिर हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होगी वो सेंटेंस हमारा कहाँ का होगा, पैसिव का होगा। और दूसरी पहचान भी मैंने यहाँ पर लिखी है क्या, जाता है जाती है जाते हैं, जो कि वर्ब के बाद में लिख के आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पढ़ाना हमारी वर्ब थी और जाता है जाती है जाते हैं वर्ब के बाद अलग से लिख कर आ गया। अब फ्रेंड्स अगर हमें इसे बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या रखना होगा, ऑब्जेक्ट। जिस तरीके से एक्टिव में हम लोगों ने सब्जेक्ट को पहचान कर सारे काम किए थे वही काम आपको ऑब्जेक्ट को पहचान कर करना होगा। तो पहली बात तो ये आती है कि हम सेंटेंस को पहचाने कि वो एक्टिव है या फिर पैसिव। तो हमने ये तो जान लिया कि ये सेंटेंस हमारा कहाँ का है, पैसिव है, और इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या रखना होगा, ऑब्जेक्ट। अब फ्रेंड्स दूसरी बात यह है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को ही ना पहचान पाए तो क्या हम सेंटेंस को बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बना सकते। तो पहला काम आपको क्या करना है कि आपको वर्ब को ढूंढना है, जो भी हमारी वर्ब होगी उस वर्ब के साथ आपको कुछ क्वेश्चन करने होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा क्या, किसे, दूसरा किसकी, तीसरा किसको, और उसके बाद एक लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है क्या, क्या। और इन शब्दों का यूज़ करके हमें वर्ब के साथ क्वेश्चन करना है, आपको जो आंसर आएगा वो 100% क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। बड़े ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि अगर हम लोगों ने पैसिव में ऑब्जेक्ट को गलत रख दिया तो वहाँ पर बात हमारी उल्टी हो जाएगी, इस बात को समझ के रखिएगा। तो अब करना क्या है इसको समझिए। अगर मैंने आपसे कहा मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है तो इसमें हमारी वर्ब क्या थी, पढ़ाना। अब इसके साथ आपको क्वेश्चन करना है क्या पढ़ाई जाती है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, अंग्रेजी, और यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब अगर आपको ऑब्जेक्ट मिल गया है तो आप सेंटेंस बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, बट पहले कुछ ऑब्जेक्ट ढूंढने की प्रैक्टिस और कर लेते हैं। अगर फ्रेंड्स मैंने आपसे कहा कि पापा के द्वारा मुझे डांटा जाता है
तो हमारी वर्ब क्या थी? डांटना। वर्ब के साथ क्वेश्चन कीजिए, किसे डांटा जाता है? तो आंसर आएगा क्या? मुझे। और ये मुझे जो होगा यही हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट। अगर मैंने आपसे कहा कि आपके द्वारा कंप्यूटर सुधारा जाता है, तो वर्ब क्या थी? सुधारना। और मैंने क्वेश्चन किया क्या सुधारा जाता है, तो आंसर आएगा क्या? कंप्यूटर। और ये हो जाएगा हमारा क्या? ऑब्जेक्ट। यदि मैंने आपसे कहा होता कि मम्मी के द्वारा उसे पीटा जाता है, वर्ब क्या थी? पीटना। और मैंने कहा किसे पीटा जाता है, तो आंसर क्या आएगा? उसे। और ये जो उसे था ना, यही हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे द्वारा भोजन बनाया जाता है, तो वर्ब क्या थी? बनाना। मैंने पूछा क्या बनाया जाता है, तो आंसर क्या आएगा? भोजन। और यही हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो पहला काम आपको ऑब्जेक्ट को पहचानना, यही करना होगा, तभी जाके काम बनने वाला है। अब फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को कैसे बनाएं वो समझ लेते हैं। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट मिल चुका है क्या? अंग्रेजी। तो हमें सबसे पहले क्या रखना होगा? इंग्लिश। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? इंग्लिश, ENGLISH। अब माइंड कीजिएगा कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर SMR का यूज करना होगा। अभी जो इंग्लिश है ये क्या है? एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट का क्या हो गया? नाम। और नाम के साथ हमेशा क्या लगाया जाता है? इज। तो इंग्लिश के ठीक बाद हमने यहाँ पर क्या लगा लिया? इज। इसके ठीक बाद हमें रखनी क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या थी? पढ़ाना। और पढ़ाना को हम लोग क्या बोलते हैं? टीच। तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टॉट, TAUGHT। अब लिखा हुआ है क्या? मेरे द्वारा। तो द्वारा के अंग्रेजी बनाने के लिए क्या रखना होगा? बाय। और बाय के बाद हमें सब्जेक्ट को ऐड कर देना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया बाय के बाद हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही ऐड किए जाएंगे, तो मेरे द्वारा की अंग्रेजी क्या बनेगी? बाय मी। ध्यान से देखिए तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। इंग्लिश इज टॉट बाय मी, अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है। और अगर मैं आपसे कहूँ इंग्लिश इज टॉट बाय यू, तो हिंदी क्या होगी? अंग्रेजी आपके द्वारा पढ़ाई जाती है। इंग्लिश इज टॉट बाय पापा, तो हिंदी क्या होगी? अंग्रेजी पापा के द्वारा पढ़ाई जाती है। एक एग्जाम्पल फ्रेंड्स और लेते हैं और इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने आपसे कहा होता कि मम्मी के द्वारा मेरी सहायता की जाती है, कुछ इस प्रकार का सेंटेंस है आपके पास कि मम्मी के द्वारा मेरी सहायता की जाती है। अब ये सेंटेंस हमारा पैसिव का हो गया। पहला काम करना होगा आपको ऑब्जेक्ट को ढूंढना। तो हमारी वर्ब क्या थी? सहायता करना। मैंने क्वेश्चन किया किसकी सहायता की जाती है, तो आंसर क्या गया यहाँ पर? मेरी। और ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपको ऑब्जेक्ट मिल चुका है। मैंने पहले ही बता दिया कि जो हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट था वही ऑब्जेक्ट बन के आएगा। तो यहाँ पर इस मेरी के लिए आपको मी या फिर माई नहीं रखना होगा, क्या रखना होगा? आई। तो सबसे पहले क्या रख दिया हम लोगों ने? आई। और ये हमारा ऑब्जेक्ट ऐड किया जा चुका है। और आई के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा? एम, उसको भी ऐड कर दीजिए। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है, और मेन वर्ब क्या थी? सहायता करना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेल्प। लेकिन आपको रखनी क्या है? वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो आई एम हेल्प्ड। इसके ठीक बाद लिखा है क्या? मम्मी के द्वारा। तो हमें क्या लिख देना है यहाँ पर? बाय मम्मी। ध्यान से देखिए आपका सेंटेंस फिर से कंप्लीट हो गया कि आई एम हेल्प्ड बाय मम्मी, मम्मी के द्वारा मेरी सहायता की जाती है। फ्रेंड्स, अगर इसमें से मम्मी के द्वारा इस शब्द को हटा दिया जाए, सिर्फ इतना ही हो कि मेरी सहायता की जाती है, तो क्या ये सेंटेंस हमारा पैसिव का है? बिल्कुल, सेंटेंस तो हमारा पैसिव का ही है। हाँ, मैंने यहाँ पर नहीं बताया कि किसके द्वारा मेरी सहायता की जाती है, बट सहायता तो किसी न किसी के द्वारा ही की जाती है। अब अगर सेंटेंस इतना है कि मेरी सहायता की जाती है, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? आई एम हेल्प्ड। किसके द्वारा की जाती थी? मैंने पहले बता दिया सेंटेंस का ये पार्ट आ भी सकता है और नहीं, बट ऑब्जेक्ट ना रखना पड़े, अब ऐसा नहीं होने वाला। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? आई एम हेल्प्ड, मेरी सहायता की जाती है। एंड आई एम हेल्प्ड बाय यू, तो मेरी सहायता आपके द्वारा की जाती है। तो फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल लेकर आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्टिव को पैसिव और पैसिव को एक्टिव में कैसे बदला जाता है। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।